योगी राज में पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन अभी जारी है। बुलंदशहर में अनूप शहर में एक वारदात को अंजाम देने जा रहे 25,000 रुपए की इनामी बदमाश राजेश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अनूप शहर में मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद घायल हुआ ये 25,000 रुपए का इनामी बदमाश राजेश है, जो आज तड़के बाइक पर सवार होकर अपने एक साथी के साथ अनूप शहर में ही एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था कि तभी मुखबिर के जरिए पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने अनूप शहर रोड पर बदमाश को रोकने के लिए जैसे ही इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से 6 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली बदमाश राजेश के पैर में जा लगी और पुलिस ने राजेश को धर दबोचा, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर राजेश का साथी फरार हो गया। वही बदमाश खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने कुछ दिन पूर्व अनूप शहर के व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की थी। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए खाकी बदमाशों पर कहर बनकर टूटने लगी है। क्या नाम है भाई? राजेश। किस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे अनूप शहर? लूट गई थी वहां पे। कहां पे? अनूप शहर। तो आज क्या कोई घटना को अंजाम देने के लिए कोई वहाँ कोई प्लान था? नहीं। अच्छा, तो लूट कौन सी वाली थी? मंडी व्यापारी से? मंडी में की थी। कितने लाख रुपए की लूट की थी? जी वो 22 लाख रुपए की है। 22 लाख रुपए की है।